हाफ लॉन्ग एमएससी स्टेज धरना। At a time when the Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, in visiting Dima Hasao, member of Autonomous Council Sri Daniel Langthasa staged dharna at Haplong Circuit House yesterday. He said he being the elected MSC was not invited to attend the meeting of CM. He also raised issues regarding SSA, irregularities and misappropriations of government funds. इसमें बहुत मीडिया में पूरा आसाम में ये निकला, डिमा हसाओ का पॉलिटेक्निक कॉलेज बफेलोस वहाँ में था और वे बहुत हम लोग को शर्म का बात है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज जो 2014 से ये अभी तक लैप्स होके है, वो उसको पॉलिटेक्निक कॉलेज को इमीडिएटली अर्जेंट मैटर मान के इसको इमीडिएटली काम शुरू करने के लिए। और सिर्फ काम शुरू नहीं, हम रिक्वेस्ट करता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्टर गुवाहाटी का था, वो कॉन्ट्रैक्टर को पनिश करके उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए, क्योंकि ये एजुकेशन का मामला है। इतना साल आज तक कितना डिमा हसाओ से स्टूडेंट निकलता रहा होगा पॉलिटेक्निक, ये सिर्फ बिल्डिंग के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ घोटाला नहीं हुआ, ये हम लोग को फ्यूचर के साथ में हम लोग को एक तो नाइंसाफी हुआ। इसलिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर था, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो इन्वॉल्व था और मेन कॉन्ट्रैक्टर गुवाहाटी का जो इन्वॉल्व था पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जिसने ये आधा काम करके छोड़ दिया, उसको तुरंत मतलब उसको ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में वो लोग ऐसे खिलवाड़ नहीं करने के लिए। दूसरा नंबर हो गया कि हम रिक्वेस्ट करता है कि जो नया आसाम का सरकार आया, बहुत अच्छा लगा, कल भी हम लोग को अमित शाह जी को देखने को मिला, वो बोला कि तमलपुर डिस्ट्रिक्ट नया डिस्ट्रिक्ट भी होगा और उसमें एक मेडिकल कॉलेज BTR एरिया में नया एक ग्रांट किया है। लेकिन दुख का बात है कि आज का दिन में हम लोग को ट्राइबल एरियाज में, आप देखिए, कल भी हम लोग को मेडिकल कॉलेज मिल गया, BTR एरिया को मिल गया, लेकिन डिमा हसाओ को अभी तक नहीं मिला। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है इसको एक अर्जेंट मैटर लेके इमिडिएटली एक सेंक्शन होना चाहिए कि डिमा हसाओ में जल्द से जल्द विद इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स एक बढ़िया सा, एक सुंदर सा एक मेडिकल कॉलेज हम लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग ये इनिशिएटिव लेगा ये नया सरकार, हमको पूरा विश्वास है। तो हम रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप जल्द से जल्द एक मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कीजिए। उसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट हो गया एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का भी हम लोग को ज़रूरी है। प्लीज़ आप लोग डिमा हसाओ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज आप लोग ये कीजिए। बहुत सारा वेंचर स्कूल्स है, लेकिन जो प्रोविंशलाइज नहीं होके है, लास्ट कितना साल से देखने को मिला है आसाम से दूसरा डिस्ट्रिक्ट से वेंचर स्कूल्स को प्रोविंशलाइज हो रहा है, जिससे टीचर्स लोग को भी मदद हो रहा है, स्टूडेंट्स लोग को भी मदद हो रहा है। लेकिन बहुत साल से डिमा हसाओ को जितना वेंचर स्कूल से उन लोगों को प्रोविंशलाइजेशन उन लोगों को नहीं मिल रहा है। सो इसके लिए बहुत लोग, टीचर लोग सफ़र कर रहा है, स्टूडेंट्स लोग भी सफ़र कर रहा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि इतना साल से जो डिमा हसाओ का कोई भी स्कूल को प्रोविंशलाइज नहीं करके रखा है, इमिडिएटली आप लोग प्लीज़ देखिए। और बहुत सारा अच्छा स्कूल्स है हम लोग का, वेंचर स्कूल जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उन लोग को प्लीज़ प्रोविंशलाइज कीजिए। और टीचर्स लोग को भी सैलरी मिलने में रेगुलराइज होगा, वो लोग को भी डील भरा होगा। उसके बाद डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अभी का सरकार शायद कुछ सोच के इस बार श्री जोगन मोहन जी को HED मिनिस्टर पोस्ट दिया होगा, लेकिन हम रिक्वेस्ट करता है कि आई होप कि मतलब ये शायद ये टेम्पोररी आप लोग ने डिसीजन लिया है, क्योंकि HED जो हिल्स एरिया डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, ये हमेशा से हम लोग का हिल एरियाज MLAs को दिया जाता है। इनफैक्ट ये मिनिस्ट्री क्रिएट किया था फॉर हिल एरियाज। तो आज के दिन में हम लोग के पास इतना टैलेंटेड MLAs है, श्रीमती नंदिता गोल्लोसा हम लोग को डिमा हसाओ का है, और चार MLA हम लोग को कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी आंगलोंग मिला के, और चार मतलब पांच हिल एरियाज का 5 MLA है। उसमें से हम रिक्वेस्ट करता है कि एक MLA तो आप ज़रूर मतलब HED दे सकता है। और एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि लास्ट 3 टर्म से HED मिनिस्ट्री कार्बी आंगलोंग को MLA को मिला है। सो इस बार तो डिमा हसाओ को MLA को एक मिनिस्टर पोस्ट, एक मिनिस्ट्री, और वो भी HED मिनिस्ट्री ज़रूर मिलना चाहिए। तो हम रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये एक रिशफल करने के लिए आप सोचिए, और HED मिनिस्ट्री हम लोग को डिमा हसाओ को MLA को देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ये हम लोग को जनता का भी रिक्वेस्ट है। आना चाहता है तो एक नंबर हो गया। आज मैंने ये मीडिया में दिन में खुलासा भी किया था, सर्व शिक्षा अभियान SSA के अंदर एक
ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बोल के एक स्कीम ग्रांट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये डीमा हासाव का एलपी स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये ग्रांट हुआ है, जिसका बारे में मैंने डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगा, लेकिन पहले मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ये रोक के रखा, एक महीना ऊपर हो गया इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अल्टीमेटली काउंसिल में मैंने सेशन के लिए मैंने सवाल उठाया, तो वहाँ में आंसर आया कि 8.9 करोड़ का ये है और 192 एलपी स्कूल्स में ये प्रोजेक्ट होगा और पर स्कूल में 4.5 लाख का बजट सेंक्शन हुआ है। लेकिन देखने को मिला है कि अच्छा से ये अच्छी तरह से काम नहीं हुआ है और घोटाला होने का बहुत चांसेस है। और जब मैंने ये इंफॉर्मेशन मांगा तो मुझे अननोन पर्सन से रिश्वत भी भेजा गया है, रिश्वत ब्राइब के जैसा हमको पैसा भेजा गया है, जो मैंने पब्लिक को वापस कर दिया क्योंकि ये ब्लैक मनी हो सकता है बोल के, ये करप्शन का पैसा हो सकता है बोल के मैंने ये पब्लिक को वापस कर दिया। तो हम रिक्वेस्ट करता है चीफ मिनिस्टर को कि आप तुरंत एसएसए का अंदर में ये जो स्कीम निकला है उसको अच्छी तरह से आप चेक कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, सो देट ये काम अच्छा से हो रहा है और करप्शन नहीं हो रहा है, सो देट अच्छा से काम होना चाहिए। आपको हम रिक्वेस्ट करता है और एजुकेशन मिनिस्टर को आप प्लीज़ डायरेक्ट कीजिए श्री रनोज पेगू को कि ये काम अच्छा से हो एसएसए का अंदर ड्रिंकिंग वाटर स्कीम प्रोजेक्ट। काउंसिल का जो हम लोग का एम्प्लॉइज है वो लोग का सैलरी पेंडिंग है, उसको इमीडिएट क्लियर करने के लिए फेब्रवरी के बाद, अभी 5 महीना है, 5 महीना का सैलरी पेंडिंग है, क्लियर नहीं हुआ है। तो हम रिक्वेस्ट करता है कि जो ग्रांट इन एड है स्पेशल ग्रांट 19 करोड़ अभी चाहिए, वो इमीडिएटली क्लियर करने के लिए हम रिक्वेस्ट करता है। हम आशा करता है कि हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ये आज के दिन में जो आया है डीमा हासाव में ये डिसीजन लेके और वापस जाके दिसपुर में इमीडिएटली हम लोग का ये मांग को क्लियर करेगा, हम आशा रखता है। हम लोग का हफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड, माहूर म्यूनिसिपल बोर्ड, उमरांगसो म्यूनिसिपल बोर्ड और लांगटिंग टाउन कमिटी, उसका एम्प्लॉइज़ लोग जो है वो लोग का सैलरीज भी बहुत महीना से पेंडिंग है। अभी आप लोग मालूम है जब से ये कोरोना महामारी के वजह से, लॉकडाउन के वजह से और राइजिंग जो दाम है सब चीज़ का, आदमी लोग का बहुत, पब्लिक लोग का बहुत तकलीफ में है, इसलिए ऊपर से अगर सैलरी नहीं मिलेगा तो आदमी लोग जिएगा कैसे। तो आप लोग म्यूनिसिपल बोर्ड, माहूर म्यूनिसिपल बोर्ड, उमरांगसो म्यूनिसिपल बोर्ड, लांगटिंग टाउन कमिटी का, वो लोग का एम्प्लॉइज लोग का सैलरीज इमीडिएटली क्लियर करने के लिए हम रिक्वेस्ट करता है। और मेरा इंफॉर्मेशन में उमरांगसो म्यूनिसिपल बोर्ड एम्प्लॉइज लोग का सैलरी क्लियर करने के लिए 3.2 करोड़ का ज़रूरी है, अभी माहूर म्यूनिसिपल बोर्ड का सैलरी क्लियर करने के लिए 6.06 करोड़ का ज़रूरी है, लांगटिंग टाउन कमिटी का एम्प्लॉइज लोग का सैलरी के लिए 5.6 लाख रुपीज़ का ज़रूरी है, और अफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड का एग्जैक्ट अमाउंट मुझे पता नहीं है, लेकिन करीबन 10 करोड़ हो सकता है, ये हम श्योर नहीं है। सो काउंसिल का और ये तीन म्यूनिसिपल बोर्ड और टाउन कमिटी का मिला के करीबन 30-40 करोड़ का एक तुरंत एक स्पेशल ग्रांट का ज़रूरी है। तो हम रिक्वेस्ट करता है अभी का न्यूली हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर श्री हिमंत बिश्व शर्मा जी को कि आप प्लीज़ ये अराउंड 30-40 करोड़ का एक स्पेशल ग्रांट इमीडिएटली रिलीज करके हम लोग को एम्प्लॉइज लोग का दर्द और दुख को सॉल्व करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं।